बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें ठीक ठाक रहें, खुश बाश रहें। फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में चने की दाल और गोश्त और साथ में बॉयल चावल बन रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। 200 ग्राम मैंने चने की दाल ली है। दाल को मैंने बॉईल कर लिया है और अब मैं इसे मैश कर लूंगी और चिकन को कुक करना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक मैंने मीडियम साइज का अनियन लिया है और आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। प्याज को हम ब्राउन करेंगे। फ्रेंड्स, प्याज हमारे ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हम साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने 2 टमाटर, 5 लहसुन की कलियां और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया। इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब ये ऐड करेंगे। साथ ही इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। टमाटर का पानी खुश्क होने तक हम इसे भून लेंगे। टमाटर का पानी खुश्क हो गया है, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, आप चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, गोश्त हमारा कुक हो चुका है। अब 2 से 3 मिनट हम इसे भून लेंगे और फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे। दाल को मैंने अच्छे से मैश कर लिया। फ्रेंड्स, 3 मिनट हो गया, गोश्त हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। मैंने दाल को हैंड मिक्सर से अच्छे से बीट किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, कवर कर देंगे इसे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट तक हम इसे लो मीडियम पे पकने देंगे। फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गए हैं, अब दाल को चेक कर लेते हैं। दाल हमारी रेडी हो गई है। फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी बहुत स्पाइसी, बहुत करारी, बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़े की चने की दाल और गोश्त। साथ में मैंने चावल बॉईल किए हैं। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।